हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्नम। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक बाय शॉर्टिंग ऑफ 15 ईयर क्वेश्चन फॉर गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उनमें हमने गेट लाइफ साइंस के जो डिफरेंट 5 सब्जेक्ट थे उनके बारे में डिटेल में बात करी थी, और आज हमें बात करनी है गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं गेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन देने के लिए, तो आप वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और अपने 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो अगर आप गेट बायोटेक्नोलॉजी सिलेबस की बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी वास्ट सिलेबस है। तो इसमें क्या फर्स्ट सेक्शन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें आप पढ़ते हैं लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट, देन न्यूमेरिकल मेथड्स। सेकेंड सेक्शन है आपका जनरल बायोलॉजी का, जिसमें है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। जो आपका थर्ड सेक्शन है वो है जेनेटिक, सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, जिसमें जेनेटिक एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी। एंड फोर्थ आपका सेक्शन है फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग प्रिंसिपल अप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम, क्लासिकल थर्मोडाइनेमिक्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। जो आपका फिफ्थ सेक्शन है वो है बायोप्रोसेस्ड इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस्ड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें है आपका बायोरिएक्शन इंजीनियरिंग, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। सिक्स सेक्शन है आपका प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आप पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, एनिमल एंड माइक्रोब्स के बारे में। सेवन्थ आपका सेक्शन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड अदर टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर टूल्स, एनालिटिकल टूल, कंप्यूटेशनल टूल्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके पास टोटल जो है वो 7 सेक्शंस हैं। अब ये सारे 7 सेक्शन काफ़ी वास्ट हैं, इसमें फिर कुछ टॉपिक्स भी हैं। तो यहाँ पर जो मैंने शॉर्टिंग करी है वो करी है टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर। अब इतना सारा सिलेबस है, हम उसे कैसे प्रिपेयर करें? प्रिपेयर करेंगे स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या मेंशन करा है, बायो प्रोसेस्ड एंड बायो इंजीनियरिंग। तो पहले जो शॉर्टिंग करी है वो सेक्शन वाइज करी है, मतलब जो हमारे 7 सेक्शन है उनमें से कौन से ऐसे सेक्शन हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन सेक्शन में भी कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें सबसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला आपका जो सेक्शन है वो आपको टारगेट करना है बायो प्रोसेस्ड एंड बायो इंजीनियरिंग। ये जो आपका सेक्शन है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो उसमें क्या क्या टॉपिक है, यहाँ पर मैंने 7 टॉपिक्स मेंशन करे हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक की कैटेगरी में है। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मास एंड एनर्जी बैलेंस, जिससे 20 क्वेश्चंस आए हैं। सेल ग्रोथ काइनेटिक्स 19 क्वेश्चन, बायोमास यील्ड एंड प्रोडक्ट यील्ड 18 क्वेश्चन, आइडियल रिएक्टर 16 क्वेश्चन, माइक्रोबियल प्रोडक्ट 13 क्वेश्चन, माइक्रोबियल डेथ काइनेटिक्स 8 क्वेश्चन, मॉलिकुलर डिफ्यूजन एंड फिल्म थ्योरी 8 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने देखा ये जो आपके 7 सेक्शन है ये आपके मोस्ट फ्रिक्वेंट सेक्शन है बायो प्रोसेस्ड एंड बायो इंजीनियरिंग सेक्शन के। जो आपकी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है आपकी मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक की। तो उसमें कौन कौन से है, उसमें है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड कंजम्पशन, जिससे 7 क्वेश्चन आए हैं, प्रोडक्ट प्योरिफिकेशन 7 क्वेश्चन, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल 6 क्वेश्चन, एंजाइम इमोबिलाइजेशन एंड एंजाइम काइनेटिक्स 3 क्वेश्चन, मीडिया प्रिपरेशन स्टेरिलाइजेशन मेथड 2 क्वेश्चन, बायोस्टेट 2 क्वेश्चन, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स 1 क्वेश्चन, एंड बैच फेड बैच एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से आपका 1 क्वेश्चन आया है। तो ये आपके मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक है जिनको भी आपको टारगेट करना है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको क्या टारगेट करना है, मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक को। तो ये बात हो गई बायो प्रोसेस्ड एंड बायो इंजीनियरिंग सेक्शन की। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको टारगेट करना है। इसमें कौन कौन से टॉपिक है जो मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक की कैटेगरी में है, पहला है आपका रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम, जिससे 18 क्वेश्चन आए हैं। सेकेंड है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री 9 क्वेश्चन, क्लोनिंग वेक्टर 7 क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी 7 क्वेश्चन, पीसीआर 5 क्वेश्चन, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन 3 क्वेश्चन, डीएनए सीक्वेंसिंग 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफोरेसिस 3 क्वेश्चन, एंजाइम एसी काइनेटिक्स 3 क्वेश्चन, एंड मिक्स्ड कुछ कॉन्सेप्ट आए हैं, कुछ क्वेश्चंस आए हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, उससे आए हैं 3 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से ये जो आपके टोटल 10 टॉपिक्स हैं वो हैं आपके मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक। तो जब भी आप अपने एक नए सेक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सेक्शन की प्रिपरेशन करें तो पहले आपको अपने ये 10 सेक्शन को प्रिपेयर करना है, ठीक।
फिर आते हैं आपके लेस एंड मीडियम फ्रिक्वेंट टॉपिक। तो इसमें कौन कौन सा है, इसमें है पहला तो माइक्रोबियल स्क्रीनिंग, जिसे टू क्वेश्चन आए हैं, इनसीटू हाइब्रिडाइजेशन टू क्वेश्चन, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टू क्वेश्चन, एनालिटिकल टेक्निक टू क्वेश्चन, सदर्न नदर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग टू क्वेश्चन, जीन ट्रांसफर मेथड टू क्वेश्चन एंड NMR टू क्वेश्चन। फिर अगेन है आपका लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक, इससे एक एक क्वेश्चन आया है। वो कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे माइक्रोस्कोपी है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, सर्कुलर डाइक्रोइज्म है, DNA माइक्रोएरे, म्यूटाजेनेसिस, TI प्लाज्मिड, जीन थेरेपी एंड RFLP। तो ये जो आपका है इससे वन वन क्वेश्चन आए हैं। तो नीचे का जो आपका लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक है उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक, जो मैंने स्टार्टिंग में 10 टॉपिक बताए थे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी सेक्शन के, वो आपको पहले प्रिपेयर करने हैं। अब जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है वो है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये है आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें टोटल 9 टॉपिक मैंने मेंशन करे हैं। पहला है जीन एंड क्रोमोसोम, जिससे 15 क्वेश्चन आए हैं, जीन रेगुलेशन 7 क्वेश्चन, मिसलिनियस कंसेप्ट 6 क्वेश्चन। मिसलिनियस कंसेप्ट बेसिकली कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो मोर देन 2 टॉपिक में एक साथ फिट बैठते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन जो है वो मिसलिनियस कैटेगरी में जाते हैं। इनहिबिटर से 6 क्वेश्चन आए हैं, म्यूटेशन से 5 क्वेश्चन, mRNA प्रोसेसिंग 4 क्वेश्चन, ट्रांसलेशन बेसिक 4 क्वेश्चन, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स 3 क्वेश्चन एंड ट्रांसक्रिप्शन बेसिक 3 क्वेश्चन। मॉलिकुलर बायोलॉजी में फिर है हमारा लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक। तो लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक में DNA रिपेयर 2 क्वेश्चन, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट 2 क्वेश्चन, जीन रेगुलेशन 2 क्वेश्चन, वायरस जीन रेगुलेशन 2 क्वेश्चन, ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स 1 क्वेश्चन, ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन 1 क्वेश्चन एंड PCR से आपका है 1 क्वेश्चन। तो मॉलिकुलर बायोलॉजी में जो आपके हाईली फ्रिक्वेंट टॉपिक है उनको आपको प्रिपेयर करना है, जो आपके लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक है इनको भी आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन आप देख लीजिए, अगर आपको इनमें से कोई सेक्शन टफ भी लग रहा है तो आप उसको बाद प्रायोरिटी में रख सकते हैं, लेकिन जो आपकी प्रायोरिटी है उसमें आपको फर्स्टली जो हाईली फ्रिक्वेंट टॉपिक है उनको तो प्रिपेयर करना ही करना है। अब थर्ड के बाद हमारा फोर्थ सेक्शन कौन सा आएगा, फोर्थ है हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यहाँ पर मैंने आपको 4 टॉपिक जो है वो मेंशन करे हैं, जो है आपके मोस्ट एंड मीडियम फ्रिक्वेंट टॉपिक, जिसमें आपका पहला है स्कोरिंग मैट्रिक्स अलाइनमेंट, इससे 12 क्वेश्चन आए, फाइलोजेनी 12 क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर डेटाबेस 7 क्वेश्चन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड 3D स्ट्रक्चर 5 क्वेश्चन। फिर जो सेकेंड है आपका लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक, लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक में मैंने यहाँ पे 4 टॉपिक मेंशन करे हैं। फर्स्ट है आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्सेज एंड सर्च टूल 1 क्वेश्चन, सीक्वेंस एनालिसिस 1 क्वेश्चन, जीनोमिक प्रोटियोमिक्स एंड मेटाबॉलिमिक्स 1 क्वेश्चन एंड मिक्स्ड से आए हैं 1 क्वेश्चन। तो आपके जो लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक हैं अगेन उनको आप थोड़ा साइड में रख दीजिए, क्योंकि जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है थोड़ा सा टफ है, लेकिन जो आपके मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक हैं वो आपको 4 के 4 टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा आएगा सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी से क्या क्या पूछा गया है, पहले है हमारा अगेन मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक, जिसमें 6 आपके टॉपिक्स हैं, वो क्या है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स सेल कल्चर, जिससे 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेल साइकिल 7 क्वेश्चन, सेल सिग्नलिंग एंड सेलुलर ट्रांसडक्शन 7 क्वेश्चन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन 4 क्वेश्चन, मिक्स्ड कंसेप्ट से 4 क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चन पूछे गए सेल डेथ एंड ऑटोफेगी से। फिर हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है लेस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक की। तो लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक में क्या क्या है, एक तो है आपका सेलुलर मेटाबॉलिज्म 2 क्वेश्चन, सेल कम्युनिकेशन 2 क्वेश्चन, सेल ग्रोथ कंट्रोल 1 क्वेश्चन एंड सेल प्रोटीन ट्रैफिकिंग 1 क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि इतने सारे टॉपिक्स है पढ़ने के लिए, ये बहुत छोटे से टॉपिक्स होते हैं। हाँ, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत वास्ट हैं, लेकिन कुछ कुछ, जैसे आप सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल से 7 क्वेश्चन पूछे गए, तो इसका वेट ज़्यादा है, आप सेल साइकिल अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल स्ट्रक्चर, केवल स्ट्रक्चर, यहाँ फंक्शन की बात नहीं हो रही, स्ट्रक्चर से ही आपके 11 क्वेश्चन आए हैं, तो वो आपको प्रिपेयर करने हैं। सेल सिग्नलिंग एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सिग्नलिंग में डिफरेंट टाइप की सिग्नलिंग आती है, लेकिन आपको ये प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप ही चाह रहे थे कि टॉपिक वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया जाए, तो इसीलिए मैंने यहाँ टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करा है। लेकिन डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सारे टॉपिक्स अगर आपने CSIR की भी प्रिपरेशन करी है तो उसमें आपने पढ़े हैं, तो आप इनको आराम से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या पूछा गया है, एक तो ट्रांसजेनिक प्लांट, जिससे 10 क्वेश्चन आए हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर
6 क्वेश्चन टोटिपोटेंसी, 5 क्वेश्चन प्लांट प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, 5 क्वेश्चन प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इससे पूछा गया है आपका 3 क्वेश्चन। तो ये आपके जो 5 टॉपिक है ये बेसिकली आपके मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या आएगा आपका लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक, उसमें है आपका काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट 2 क्वेश्चन, मिक्स्ड से मिक्स कंसेप्ट से हैं 2 क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स 1 क्वेश्चन, हेयरी रूट कल्चर 1 क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सीड 1 क्वेश्चन, सोमा क्लोनल वेरिएशन 1 क्वेश्चन एंड सिलेक्शन मार्कर एंड रिपोर्टर जीन 1 क्वेश्चन। तो ये आप देख लीजिए आपके लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक हैं। तो आप पे जो जो लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक में देखो जो आपने पहले से पढ़े हैं आप उनको प्रिपेयर करिए, और बहुत से ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जो बहुत सिंपल एंड शॉर्ट होते हैं आप उनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक जो जो मैं आपको बता रही हूँ वो तो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में 4 टॉपिक हैं जो आपको पहले प्रिपेयर करने हैं, कल्चर मीडिया कंपोजिशन एंड ग्रोथ कंडीशन 10 क्वेश्चन, काइनेटिक्स ऑफ सेल ग्रोथ 5 क्वेश्चन, स्टीम सेल्स टेक्नोलॉजी 3 क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक एनिमल 2 क्वेश्चन। और लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक में कौन कौन सा है वो है एनिमल सेल एंड टिश्यू प्रिजर्वेशन 1 क्वेश्चन, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी 1 क्वेश्चन, एनिमल क्लोनिंग 1 क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट 1 क्वेश्चन, एंकरेज एंड नॉन एंकरेज डिपेंडेंट सेल कल्चर 1 क्वेश्चन एंड माइक्रो मैक्रो कैरियर कल्चर 1 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपका सेक्शन है इम्यूनोलॉजी, तो इम्यूनोलॉजी में ये है आपके मोस्ट एंड मीडियम फ्रिक्वेंट टॉपिक, क्या क्या है इननेट एंड अडेप्टेड इम्यूनिटी 7 क्वेश्चन, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 7 क्वेश्चन, पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी 6 क्वेश्चन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी 5 क्वेश्चन, टी सेल एंड बी सेल डेवलपमेंट 5 क्वेश्चन, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन 5 क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन 4 क्वेश्चन एंड मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस में 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपकी कैटेगरी है वो है आपकी लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक की इम्यूनोलॉजी में ही, लेस फ्रिक्वेंट में कौन कौन सा है ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी 3 क्वेश्चन, इम्यून टॉलरेंस हाइपरसेंसिटिविटी एंड ऑटो इम्यूनिटी 3 क्वेश्चन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन 2 क्वेश्चन, ग्राफ्ट इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन्स 2 क्वेश्चन, रेगुलेशंस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज 1 क्वेश्चन एंड एलाइजा जो है 1 क्वेश्चन। तो आपका जो इम्यूनोलॉजी वाला टॉपिक है उसमें भी आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम बाद ई लर्नम ई इम्यूनोलॉजी के भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनिमल फिजियोलॉजी के बाद उसको ज़रूर लॉन्च कर देगा, तो ये भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले आप टारगेट कर लीजिए अपने मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक को, उसके बाद आप टारगेट करिएगा लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक को। फिर जो आपका नेक्स्ट है सेक्शन वो क्या है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन सा आएगा, पहले आएंगे मोस्ट एंड मीडियम फ्रिक्वेंट टॉपिक जिसमें आप हैं टोटल 6 टॉपिक, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन जेनेटिक म्यूटेशन इनसे 7 क्वेश्चन आएंगे, वायरसेस स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन 6 क्वेश्चन, माइक्रोबियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन 6 क्वेश्चन, मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी 5 क्वेश्चन, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी 4 क्वेश्चन एंड माइक्रोबियल डिजीज से आए हैं 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक की, अब इससे क्या क्या पूछा गया है, इसमें पहले है माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर 3 क्वेश्चन, माइक्रोबियल बायोकेमिस्ट्री 2 क्वेश्चन, माइक्रोबियल इकोलॉजी 2 क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 क्वेश्चन, मिक्स कंसेप्ट 2 क्वेश्चन, एंटीबॉडी एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 1 क्वेश्चन। तो ऐसे ही आपको माइक्रोबायोलॉजी में करना है, आपकी खाली 6 ही टॉपिक है जो आपको माइक्रोबायोलॉजी में पहले प्रिपेयर करने हैं, वो क्या क्या रहेंगे आपके ये वाले, और फिर आपके है लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक जिसमें अगेन 6 टॉपिक है तो वो भी आपको बाद में प्रिपेयर कर लेने हैं। अब जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं, तो जेनेटिक्स वाले सेक्शन में अगेन 6 जो आपके टॉपिक्स हैं वो है मोस्ट फ्रिक्वेंट पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जीन इंटरेक्शन, लिंकेज, क्रोमोसोमल वेरिएशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, दिस इज 6, 4, 4, 4, 4 एंड 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट है आपका लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक, इसमें है आपका पेडिग्री एनालिसिस 2 क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेंट एंड क्रोमोसोम मैपिंग 2 क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस 2 क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंटेशन 1 क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर 1 क्वेश्चन, अडेप्टेड एंड न्यूट्रल इवोल्यूशन 1 क्वेश्चन। तो जेनेटिक्स में भी आपके पहले आपको 6 टॉपिक ही प्रिपेयर करने हैं जो आपके मोस्ट एंड मीडियम फ्रिक्वेंट टॉपिक की कैटेगरी में है, फिर आप अपने लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक पर फोकस्ड करिएगा।
तो ये सारी बात तो हो गई सेल्फ स्टडी के थ्रू कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिया, मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक बताए जिनसे हर एक ईयर कोई ना कोई क्वेश्चंस आया है, तो आप इन टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर कर लेंगे। तो पहले सेक्शन हमारा जैसे बायो प्रोसेसिंग एंड बायो इंजीनियरिंग था, फिर उसके बाद हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी था, फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी था। तो इस तरीके से इसमें सिक्वेंस है, तो आप उस सिक्वेंस से अपने सेक्शन में जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं आप उनको पहले प्रिपेयर कर सकते हैं। और वहीं पर यदि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप जुड़ सकते हैं ईलर्नम के साथ। ईलर्नम आपको लेके आया है डिफरेंट टाइप ऑफ बैच रिगार्डिंग गेट बायोटेक्नोलॉजी एंड गेट एक्सेल एग्जामिनेशन। इसके जो सब्सक्रिप्शन है वो एंड अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे, जहां पर आपको मिलेंगे डिफरेंट बैचेस जैसे डीएनए बैच, आरएनए बैच, प्रोटीन फर्स्ट बैच, प्रोटीन सेकेंड बैच, एंजाइम फर्स्ट एंड एंजाइम सेकेंड बैच। अगर आप इन बैचेस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ नोट, डेली प्रैक्टिस सीट, पीवाईक्यू सेशन, क्विज सेशन एंड 24/7 डाइट क्लियरिंग सेशन। जैसे ही इसका सब्सक्रिप्शन ओपन होगा तो हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कि आप इसको कैसे सब्सक्राइब करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज हैं आपको, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, आपको किस तरीके से लॉग इन करना है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एंड अक्टूबर तक उसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें हम आपको कंप्लीट में बताएंगे कि आपको कैसे एक्सेस करना है। ठीक, ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर रिजल्ट है और ये रिजल्ट एनालिसिस है ईयर 20 से लेके 23 तक का। इसमें आप देख सकते हैं कि ईयर 2023 में 300 प्लस कैंडिडेट ने ई लर्नम के प्लेटफॉर्म से क्वालिफाई करा है। तो आप बिल्कुल इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इसकी ऑनलाइन घर बैठे ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी का हमने वो एनालिसिस करा है, इसमें हमने एक जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उसको अभी छोड़ दिया है। तो हम करेंगे क्या, जो हमारा लाइफ साइंस वाला सेशन था उसमें भी हमारा जनरल एप्टीट्यूड एंड केमिस्ट्री वाला अभी वीडियो रह गया है, एंड सेकंड ये वाला है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। तो टोटल अभी 3 वीडियोज है। हमारा जो अपकमिंग टाइम होगा उसमें हम इन 3 वीडियोज को लेके आएंगे, पहले एनालिसिस कर ले उसके बाद। और हम क्या करेंगे कि पैरेलली एनिमल फिजियोलॉजी को शुरू कर लेंगे, तो एनिमल फिजियोलॉजी का भी लेक्चर साथ साथ में चलता जाएगा और आपको इसकी सब्जेक्टिव प्रिपरेशन भी साथ में करनी है। और बाकी की ये जो 3 वीडियोस हैं, जनरल एप्टीट्यूड फॉर गेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, केमिस्ट्री फॉर गेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन एंड मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग फॉर गेट बायोटेक्नोलॉजी, ये भी हम वीडियोस लेके आएंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे ही एनालिसिस कंप्लीट होगा तो हम वो वीडियोज भी लेके आएंगे। और तब तक क्या करेंगे, हम कल से एनिमल फिजियोलॉजी शुरू कर देंगे। तो आप आराम से एनिमल फिजियोलॉजी की प्रिपरेशन करिए, प्लस में अपने गेट की सब्जेक्टिव जो भी आपको चूज करना है, चाहे गेट लाइफ साइंस हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, उसकी भी प्रिपरेशन करते रहिए। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।